इधर राजू आपको बता दें कि बीती रात भी हिंसा यहां पर जारी रही। आज राज्यपाल पहुंचे हैं, अभी स्थिति सामान्य की बात की जा रही है, लेकिन तनाव लगातार बरकरार रहा है बीते कुछ दिनों से। इस बार रिसड़ा रेलवे स्टेशन को टारगेट किया गया, स्टेशन के बाहर भी उपद्रव हुआ और स्टेशन के भीतर से भी सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी हो रही थी और रुक रुक कर हिंसा का दौर जारी है, थमा नहीं बंगाल में। इस वक्त हुगली के रिसड़ा में है, जहां पर रिसड़ा का 4 नंबर रेलवे गेट, ये बहुत बिजी एक रेलवे रूट है जो रिसड़ा उत्तरपारा इन जगहों को चंदन नगर की तरफ ले जाता है। कल करीबन 3 घंटे के लिए रेल रोका गया था ताकि जब यहां पर जब झमेला हो रहा था, जब बवाल मचा था, तब ताकि किसी को नुकसान ना हो, रेलवे के प्रॉपर्टी पर नुकसान ना हो, पैसेंजर्स को कुछ ना हो, इसीलिए 3 घंटे के लिए ट्रेन को पहले ही रोक दिया गया था। यहाँ पर स्थिति अभी जो रेमनेंस है कल रात के कांड के, वो अभी तक दिख रहे हैं। यहाँ पे पत्थर हैं, कुछ चीज़ों को तोड़ा फोड़ा गया, कुछ चीज़ों को शायद जला भी गया है, एक पंखे का बाई पार्ट है जिसको शायद तोड़ा गया फिर जलाया गया, समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे स्थिति फिलहाल अंडर कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पे कल रात को जो हुआ था, यहाँ पे कांच के बहुत सारे पार्ट्स है जो देखने में आ रहे हैं कि शायद किसी ने यहाँ पे कुछ फोड़ा होगा, बोतल या क्या, शायद इन्वेस्टिगेशन ही बता पाएगा क्या हुआ था यहाँ पर, किसने ये झमेला किया। अभी तक इस पर कोई बातचीत या फिर कोई स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया है नहीं। फिलहाल रेल लाइन जो है वो नॉर्मल सी यहाँ पे चल रही है, रेलवे फिर से मूव कर रही है, ये ट्रेन कोलकाता की तरफ जाता है और यहाँ पर रेलवे पुलिस के तरफ से यहाँ पे फोर्स है मेरे दाएं और बाएं यहाँ पे एकदम गियर में, ताकि अगर कोई सिचुएशन खराब हो तो उसको काबू किया जाए। स्थिति फिलहाल यहाँ पे शांतपूर्वक है, यहाँ पे शांति है, लेकिन कल रात की जो घटना घटी इसी 4 नंबर गेट के पास, गेट के सामने रादर, इनके पीछे किसका हाथ था ये अभी तक किसी को नहीं पता। इन्वेस्टिगेशन ही शायद बता पाएगा कि आखिर कल रात यहाँ पे हुआ था क्या। स्थिति यहाँ की ठीक ठाक है फिलहाल। कैमरा पर्सन प्रसून के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक हुगली। बंगाल के हुगली की तस्वीरें क्या है, ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम पहुंची और हमने दिखाया कि इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है। कल रात को शुभांकर यहीं पर हालत बहुत ज्यादा खराब हो गए थे और इसी को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हुगली के रिसड़ा में हिंसा और पथराव थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़कों पर फैले पत्थर को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालात कितने खराब। बीती रात फिर उपद्रव हुआ, रेलवे स्टेशन के बाहर सुरक्षा बल से उपद्रवियों की झड़प हो गई, जिसके बाद पथराव होने लगा। उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया तो सुरक्षा कर्मी भी पत्थर फेंकते दिखे। रेलवे स्टेशन के भीतर भी नारेबाजी के जरिए धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश की गई। इस उपद्रव की वजह से हावड़ा बंदेल रूट पर असर पड़ा है, कई ट्रेनें जहां की तहां खड़ी हो गई। इस वक्त हुगली के रिसड़ा में है, जहां पर रिसड़ा का 4 नंबर रेलवे गेट, ये बहुत बिजी एक रेलवे रूट है जो रिसड़ा उत्तरपारा इन जगहों को चंदन नगर की तरफ ले जाता है। कल करीबन 3 घंटे के लिए रेल रोका गया था ताकि जब यहाँ पर जब झमेला हो रहा था, जब बवाल मचा था, तब ताकि किसी को नुकसान ना हो, रेलवे के प्रॉपर्टी पर नुकसान ना हो, पैसेंजर्स को कुछ ना हो, इसीलिए 3 घंटे के लिए ट्रेन को पहले ही रोक दिया गया था। यहाँ पर स्थिति अभी जो रेमनेंस है कल रात के कांड के, वो अभी तक दिख रहे हैं। रेलवे के मुताबिक उपद्रव की वजह से रिसड़ा स्टेशन पर रात 10 बजे से एलसी गेट बंद नहीं हो पा रहा था और जब तक एलसी गेट बंद नहीं होगा ट्रेन सेवा शुरू नहीं की जा सकती। अभी जो रात में जो घटना हुई थी उसमें पैसेंजर की सुरक्षा को देखते हुए कुछ समय के लिए ट्रेन संचालन जो था स्थगित हुआ था, और लेकिन रेल परिक्षेत्र सुरक्षित होने के कारण फिर रात में ही गाड़ियां पुनः चलना शुरू हो गई थी और स्थिति अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में है रेल परिक्षेत्र में और स्थिति सामान्य। रिसड़ा में सोमवार के बवाल में धर्म का रंग भी दिखा, रेलवे स्टेशन के भीतर घुसकर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए।
हिंदू राष्ट्र से जुड़े नारे भी बुलंदी के साथ लगाए गए। पत्थरबाजी, हंगामे और बवाल के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया और पुलिस ने हालात सामान्य होने का दावा किया। अभी मौजूदा हालात स्थिति स्थिर है, नॉर्मल है। अभी आरपीएफ और हावड़ा जीआरपी एक साथ फ्लैग मार्च, रूट मार्च हम कर रहा हूँ, तो यही सिचुएशन नॉर्मल है अभी। बंगाल में हिंसा का दौर 30 मार्च से हावड़ा में शुरू हुआ था, जब रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी। इसके बाद अगले दिन एक बार फिर हावड़ा के ही शिवपुर में हिंसा हुई। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस को कार्रवाई से रोका गया। पुलिस पूरी तरीके से प्लान फुलिए कर रही है, ऊपर की इंस्ट्रक्शन की वजह से कर रही है। यहाँ के सांसद, विधायक और कल रामनवमी के जुलूस से पहले अपरूपा बुद्धर का भी गाड़ी इधर दिखा गया। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके पति देव यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बंगाल अशांत है, सियासत अपना काम कर रही है, लेकिन ममता सरकार हो या फिर विपक्षी बीजेपी, सबकी प्राथमिकता बंगाल में शांति व्यवस्था की बहाली होना चाहिए। आज तक ब्यूरो।